सपोज करो एक बॉय जो है वो ऊपर बैठा है और नीचे उसका भाई बैठा है, उसने उसको एप्पल को कैच करवाना है, ठीक है, कैच करवाना है। ट्रेन रेस्ट पे है तो ये गिरा एप्पल, एप्पल सीधा नीचे, डन। इमेजिन करो मैं एप्पल को कैच करने के लिए बैठा हूँ, ऊपर से गिरेगा एप्पल, मैं हाथों तो ऐसे करके बैठा हूँ, और सपोज ट्रेन उधर एक्सलरेट कर रही है तो एप्पल कहाँ गिरेगा? कहाँ? इधर या आगे? एक्सलरेट कर रही है मैंने कहा। अच्छा चलो सेब को छोड़ो यार, मैं ही खड़ा हूँ और मैंने हैंडल कहीं पकड़ा नहीं हुआ, अब ट्रेन एक्सलरेट कर रही है, मैं कहाँ गिरूंगा? हाँ तो पीछे गिरूंगा, तो फिर सेब का क्या कसूर है? सेब भी तो पीछे गिरेगा ना। क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। अच्छा चलो उल्टा, ट्रेन ब्रेक लगा रही है, रिटार्ड कर रही है, अब सूडो फोर्स इधर की बजाय इधर, मैं आगे गिरूंगा तो सेब भी तो आगे गिरेगा ना, तो ये रहा हाथ, एप्पल आगे गिरेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेन गिरेगा अगर रिटार्ड कर रही है। ओके ये देखो उसने बोला, वो कह रहा है इसके अंदर विच इज गोइंग टू स्टॉप ऑन द रेलवे स्टेशन, ट्रेन तो ब्रेक लगा रही है, स्टॉप होने जा रही है तो रिटार्डेशन है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वो आपको लगा ट्रेन वो स्टेशन पे पहुंचने वाली है, और क्वेश्चन ऐसा है स्टेशन पे पहुंचने पहुंच के रुकने वाली है, तो इसका मतलब एक्सलरेट नहीं हो रही, इसका मतलब रिटार्ड हो रही है। अगर ये एक्सलरेट हो रही होती फिर पीछे गिरते, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, और अगर ब्रेक लग रही है, रिटार्ड हो रही है, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, समझ में आ रहा है? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एप्पल कहाँ गिरेगा? आगे गिरेगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। सही है, तुम एप्पल छोड़ो या तुम खुद को अज्यूम कर लो ना, ब्रेक लगेगी तुम कहाँ गिरोगे? तो एप्पल भी वहीं गिरेगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना एक अजम्पशन है, प्लीज, हवा नहीं है, एयर निग्लेक्टेड है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, तो दोनों डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लें। वो तो एयर नहीं है तो ऐसे ही होगा। देखो अगर तो मान लो ये एक कार है जो ओपन है, और मैंने एक पेन को ऊपर गिरा, पेन मेरे हाथ में ही आएगा, कार चल रही है, चलने तो कोई बात नहीं। तो अगर कार एक्सलरेट हो रही है तो सूडो फोर्सेस पीछे लगती हैं, अगर कार रुक रही है तो सूडो फोर्सेस आगे लगती हैं, तो वो हो सकता है ऑब्जेक्ट आगे और पीछे भी गिर सकता था, पर क्योंकि कार तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सलेशन जीरो, और एक्सलेशन जीरो पर सूडो फोर्सेस नहीं लगती, तो ऑब्जेक्ट या आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, इसमें से कुछ नहीं गिरेगा, ऑब्जेक्ट वहीं गिरेगा बिकॉज कोई सूडो फोर्स है ही नहीं। लेकिन अगर एयर है, अगर हवा चल रही है, फिर तो आप अपने घर में करके देख लेना, आप वो सनरूफ सब आती हैं उस पर खड़े होके एक बॉल फेंक के देखें, बॉल पीछे गिरी होगी, कार आगे होगी। ऐसा भी कभी हुआ है कि तुमने चलती ट्रेन से, चलती कार से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा और वो वहीं आ गया? कभी भी नहीं हुआ, हवा उसे पीछे ले जाएगी। पर वो कह रहे हैं अगर हवा का अफेक्ट ही नहीं है तो फिर उसके हाथ में वापस आएगी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कई लोग सोचते हैं कि और डिटेल में ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने ऊपर फेंका, ट्रेन तो आगे निकल गई, ऑब्जेक्ट तो पीछे रहेगा। जब तुमने उसे ऊपर फेंका था तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी? जो कार की थी, और तुम्हारे हाथ में बॉल थी उसकी वेलोसिटी भी क्या थी? जो कार की थी। तो जब तुमने उसको ऊपर फेंका था तो एक्चुअल में तो वो ऐसे नहीं गया था, उसके पास ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कार जितनी थी, तो वो तुम्हारे सिस्टम के साथ ही मूव कर रहा था, तो रिलेटिवली मोशन इनका क्या था? आपस में जीरो। तो समझ में आ रहा है? तो क्योंकि कोई सूडो फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट वापस आएगा ही आएगा, ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, तो ये मैं किया हुआ है कैसे? अगर तुम नीचे सी पॉइंट पे जोर लगा दो, खींच दो, या तुम यहां ऑब्जेक्ट लगा दो,
तो टेंशन मैक्सिमम कहाँ पाई जाएगी? ऊपर, क्योंकि ऊपर उसको इसको भी संभालना है और मेरी फोर्स को भी संभालना है। सबसे ज़्यादा जोर यहाँ पड़ता है रस्सी के ऊपर के हिस्से पे, तो कौन टूटेगा? ए बी टूटेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किया था हमने, जितना रस्सी का ऊपर हिस्सा होता जाएगा टेंशन उतनी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, थ्रस्ट फोर्स होता है, थ्रस्ट मीन्स फोर्स। बुलेट्स और गन के तीन क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला तो यही मैं करके दिखाता हूं, दो आपने करने हैं। अगर आपने वो दो क्वेश्चन कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, एक मशीन गन है जो 2000 केजी कार के ऊपर हॉरिजॉन्टली रखा गया है। ये लो, ये रहा 2000 केजी की कार है, इसके ऊपर एक मशीन गन को हमने रख दिया। ठीक है, एट सम इंस्टेंट गन फायर्स बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। तो मास ऑफ एक बुलेट सिर्फ 10 ग्राम है, यानी कि इतने केजी है। तो ये किसका है? मास ऑफ वन बुलेट, ये सिर्फ एक बुलेट का मास है, एक गोली का मास है। आगे, जब वो बुलेट निकलती है तो वो कितनी वेलोसिटी से निकलती है? 500 मीटर पर सेकंड से निकलती है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मल नहीं है यार, गोली अभी बंदूक चली नहीं, गोली आराम कर रही है। फिर मैंने ट्रिगर दबाया, फिर गोली कहती है अच्छा भागना पड़ेगा, जीरो वेलोसिटी से चली, फिर वो वेलोसिटी 10 करेगी, फिर 15 करेगी, फिर 20 करेगी, फिर 100 करेगी, 200 करेगी, फिर 500 करेगी, फिर पूछेगी अच्छा किसको मारना है। ऐसा तो नहीं होता। कैसे होता है? जब गोली चलती है तो निकलते ही उसकी वेलोसिटी 500 है, तो इसको बोलते हैं मजल स्पीड, MUZZLE, मजल स्पीड लिखा जाता है इसे। तो इसकी मजल स्पीड है, निकलती स्पीड 500 है, गोली रिटार्ड, गोली जीरो से नहीं स्टार्ट होती, वो स्टार्ट ही किसी वेलोसिटी से होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये मत सोचें कि मैं इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा V=U+AT, नहीं लगेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है पहले तो? आगे, अब अगर नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड इज 10, तो मैं 10 गोलियां चलाता हूं, 10 बुलेट्स चलेंगी कितनी देर में? एक सेकेंड में, एक सेकेंड में इतनी गोलियां चल जाती हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आई? अब सोचो जब गोलियां चलेंगी तो पीछे क्या लगेगा? मोमेंटम, ऑब्वियसली ये जो कार है वो पीछे की तरफ आएगी। पीछे की फोर्स क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। थ्रस्ट क्या होगा? थ्रस्ट का मतलब फोर्स है, पीछे का थ्रस्ट क्या होगा ये बताओ। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो इस प्रॉब्लम को कभी भी करना हो तो स्टार्ट कहां से करना है और आपको एवरेज थ्रस्ट बताना है। तो आप इसको स्टार्ट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो dP/dt भी कर सकते हैं या ∆P/∆t भी कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर एवरेज वर्ड यूज किया हुआ है, तो आप कैलकुलस नहीं कर सकते, आप ∆P/∆t यूज करें कर सकते हो। पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस भी कर दूंगा, क्योंकि वर्ड एवरेज है, तो जब कोई चीज एवरेज पे चलती है तो कोई वैल्यू चेंज तो होती नहीं, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक ही बात होती है, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं इसमें। तो पहला स्टेप क्या होगा? ये होगा, अगर आपको लास्ट लेक्चर हल्का सा भी याद है तो हमने ना दो किस्म के क्वेश्चन किए थे। एक, जब बैलून में से एयर बाहर, हवा बाहर निकलती है, तो मैंने कहा था कि हवा बाहर निकलती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी और सिस्टम का मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उसमें गिवन होता है dm/dt। और मैंने आपको एक पानी वाला क्वेश्चन भी करवाया था, पानी बाहर निकल रहा है
तो उसके लिए भी सेम था, वेलोसिटी पानी की सेम थी और डीएम बाई डी टी गिवन होता है। आपको ऐसा फील होएगा इसमें गोलियां बाहर निकल रही हैं, जब गोलियां बाहर निकल रही हैं तो फिर मास क्या हो रहा है सिस्टम का, चेंज हो रहा है, और गोली की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो आप इसके अंदर ये नहीं बोल सकते कि मैं नेक्स्ट स्टेप में ये लगाऊंगा एक गोली के लिए मास इनटू वेलोसिटी, और प्रॉब्लम यह है कि मास मैं बाहर लेता हूँ और डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन ऑफ अ बुलेट, मैं तो बोल ही दिया बुलेट एक्सेलरेट करती कहाँ है, वो तो मजल स्पीड से भागती है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप इसमें एम इन टू ए नहीं लगा सकते गोली के लिए। तो आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन सुन लें, पहला लिक्विड वाला, दूसरा एयर बैलून वाला, और तीसरा बुलेट वाला। बुलेट के क्वेश्चन के अंदर भी वेलोसिटी बुलेट की कांस्टेंट है और क्या हो रहा है, मास निकल रहा है बुलेट का पर सेकेंड। तो ये बुलेट का मास निकल रहा है पर सेकेंड, तो मैं दिखाता हूं कैसे। तो ये एक बार लिख लो जरा यहां तक, एफ इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। तो बुलेट के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, डीएम बाई डीटी। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि मास सिस्टम का क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, चेंज, और जब मास चेंज होगा तो डीएम बाई डीटी यूज होगा। तो पहले तो ये नोट कर लें। अब आगे इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देखें। देखो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू, अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू बोलने क्या है, चलो वेलोसिटी इनटू डीएम का मतलब क्या है, मास, और डीटी का मतलब क्या है, टाइम। ऐसे कर देते हैं, डीएम का मतलब मास, डीटी का मतलब टाइम, कितना मास निकल रहा है पर यूनिट टाइम। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। बोलो बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, 500। बुलेट का मास कितना है, कितना मास है, इतना मास है, मास ऑफ ईच बुलेट 10 ग्राम है। तो मास की जगह क्या पुट करेंगे, 10/1000, और टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, 1 सेकेंड। जैसे टाइम 1 पुट किया तो मुझे याद आया कि 1 सेकेंड में कितनी गोलियां निकल रही हैं, 10। तो मास 1 बुलेट का नहीं होगा, मास 10 बुलेट का होगा, क्योंकि जब तुमने टाइम डिनोमिनेटर में 1 पुट किया तो आपको नंबर ऑफ बुलेट से क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई, आपको टोटल मास लेना होगा। तो टोटल मास क्यों लिया 10 बुलेट्स का, क्योंकि इतना मास निकल रहा है 1 सेकेंड में, क्योंकि तुमने टाइम डिनोमिनेटर में 1 सेकेंड पुट किया। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर वेलोसिटी पता है, इसके अंदर मास ऑफ 10 बुलेट्स पता है, और टाइम पता है। यहां से सॉल्व करके चेक करो क्या आ रहा है फोर्स, मार्क कर लेना 50। मेथड समझ में आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, हाँ बता रहा हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 आ रहा है। उसने पूछा नहीं वैसे पीछे आगे, पर वैसे पीछे होगा, उसने दिया नहीं ऑप्शन, उसकी मर्जी, वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो वैल्यू पूछ रहा है, कोई फर्क नहीं है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि फोर्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 50 आएगी। हाँ वो ये पूछ सकता था, वो बिल्कुल पूछ सकता था कि ये जो फोर्स है ये किस पे लगने वाली है, 2000 केजी की कार पे लगने वाली है, पीछे की तरफ, कितनी, 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन लगेगी, तो इस कार की एक्सेलरेशन क्या होगी, पीछे की एक्सेलरेशन क्या होगी, 50 को 2000 से क्या करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। पूछा नहीं, मैंने वैसे बता दिया। मेथड समझ में आ रहा है कि ये फोर्स बुलेट्स जब गोलियां चलेंगी तो फिर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई डाउट इसमें? आपने समय क्या पुट किया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी गोलियां हैं, 10, तो तुम एक मास कैसे पुट कर सकते हो, गोलियां तो 10 चली हैं, तो 10 बुलेट्स का मोमेंटम काउंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 गोलियां झटका मार के जाएंगे 1 सेकेंड में सीधा पीछे, तो मोमेंटम या फोर्स ड्यू टू 10 बुलेट्स होगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इसका आंसर क्या है ये बता दो, सेम क्वेश्चन है, अब 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, इसका आंसर क्या है?
एक बार ट्राई करते हैं, कितना आंसर है? अच्छा देखो, तो मास ऑफ द बुलेट पता है, तो एक बुलेट का मास इतना है, ठीक है, और कितनी गोलियां चल रही हैं, मान लो n बुलेट्स चल रही हैं, मान लेते हैं, ये तो निकालना है एक सेकंड में, तो क्या कह रहा है इसमें, वेलोसिटी पता है आपको 12, और आपको इसमें तो फोर्स भी पता है कितनी, 1.44, तो मैंने क्या सिखाया था, फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मास डिवाइडेड बाय टाइम। कई बुक्स ऐसे भी लिखती है सीधा एम वी अपॉन टाइम, ठीक है ना, एम वी अपॉन टाइम, एक ही बार कहाँ से आया मैंने बता दिया आपको। तो इसके अंदर मास एक बुलेट का कितना है, 40/1000, और कितनी बुलेट्स हैं, एन बुलेट्स हैं, और कितनी वेलोसिटी से 12, और टाइम कितना 1, क्योंकि एक सेकंड के अंदर एन बुलेट्स हैं, और ये फोर्स की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 1.44, एन निकाल लो, 3। मेथड समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, पिछले केस में फोर्स निकालनी थी, इस केस में फोर्स गिवन है, और नंबर ऑफ बुलेट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बुलेट्स की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, इंपॉर्टेंट है ये। डाउट ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। अब अगर ये ठीक है तो बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा सब कुछ ठीक है, ठीक। लो फिर सुनो, क्वेश्चन असाइनमेंट का नहीं है, मेरे को अभी याद आया है कि इसका एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन भी था, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन ये है कि आपके पास सपोज एक प्लेट है, एक मेटल की प्लेट है, ये प्लेट 12 किलो की प्लेट है, मैं इसे अगर ऐसे छोड़ दूं अभी तो नीचे गिर जाएगी ज़मीन पे, पर किसी ने क्या किया, नीचे से गोलियां चलानी शुरू कर दी, बुलेट्स पे बुलेट्स दागनी शुरू कर दी हवा में। अब बुलेट्स इतनी तेज़ दाग रहे, मतलब एक के बाद एक साइड में पता नहीं कितनी बुलेट्स, कि ये प्लेट एक्चुअल में तो नीचे गिरनी चाहिए 12G के साथ, पर गिर नहीं पा रही, हवा में रेस्ट पे ही है, क्योंकि गोलियां लगती जा रही हैं और उसको नीचे गिरने नहीं दे रही हैं, तो ये प्लेट किस पे गिवन है, एट रेस्ट। गोली जाती है, बुलेट जाती है, इसको हिट करती है, क्वेश्चन में गिवन है हिट करती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और हिट करके उसी टाइम रिटर्न करती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, कोई चेंज ऑफ वो नहीं है इसमें, कोई लॉस नहीं है। तो बुलेट जाती है वी वेलोसिटी से हिट करती है और वी से वापस आ जाती है, अगली बुलेट जाती है वी के साथ वी से वापस आ जाती है, और ऐसी मान लो 100 बुलेट्स चलती हैं, 100 गोलियां ये बंदा चलाता है एक सेकंड में, ठीक है, इसका नाम है AK-100, AK-47 नहीं, AK-47 नहीं है, AK-100, ठीक है, मतलब 47 गोलियां निकालती नहीं है ये, 100 गोलियां निकालती है एक सेकंड, बहुत होती है एक सेकंड में 100 गोलियां, चलो ये मैंने बनाई है अभी, ठीक है। तो एक सेकंड में 100 गोलियां चलती हैं, आपको ये बताना है बुलेट की वेलोसिटी क्या है, और मास ऑफ वन बुलेट में आपको दे रहा हूं जो कि 10 ग्राम है, ये लो वेलोसिटी बतानी है, और प्लेट रेस्ट पे है, प्लेट रेस्ट पे गोलियों ने रखा हुआ है, और आपको वेलोसिटी बतानी है कितनी है। टेस्ट दिया था आपने, टेस्ट दिया था, टेस्ट
कितना आ गया? 1.2, 126 में पता नहीं कितना। चलो मुझे ये बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा। F इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, F इज इक्वल टू dp/dt, सेम सही है। जब ये फॉर्मूला अभी लगाया था आपने तो मैंने इसको ऐसे करवाया था कि आप ना वेलोसिटी कांस्टेंट ले लेना, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, और यहाँ पर क्या ले लेना, मास अपॉन टाइम, यही बात हुई थी, और आपने भी ऐसा ही किया, मैंने सिखाया था आपको, ठीक किया। इसमें लगेगा नहीं, अब वो ये क्या चक्कर है, क्यों नहीं लग पा रहा? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, रुको रुको ध्यान से, ये देखो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में dp का मतलब होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यही होता है। जब आपका क्वेश्चन ऐसा था 2000 kg, तो इसके ऊपर एक बुलेट पड़ी हुई थी, यहाँ पे बुलेट इनिशियली किस पे पड़ी हुई थी, रेस्ट पे, ऐसी था, गोली चलने से पहले बुलेट चल नहीं रही थी ना, जब गोली मैंने चलाई नहीं तो बुलेट कहाँ से चलेगी। तो इस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम बोलो क्या था, कोई डाउट इसमें? इस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो। जैसी गोली चली मजल स्पीड निकली, मजल स्पीड निकली तो मोमेंटम कितना हो गया, एम वी, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, एम वी, गोली चलते ही। तो आपने भी क्या किया, न्यूमिनेटर में क्या पुट कर दिया, एम वी माइनस जीरो अपॉन टाइम, तो यही फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको अभी करवाया था, यही था, ये आया था ना वो एम वेलोसिटी कांस्टेंट लेके भी तो यही टर्म आई थी, और वैसे भी यही करवाया मैंने आपको एम एन टू वी बाई टी। तो शॉर्टकट ये भी कर सकते हो, चेंज इन मोमेंटम सिंपल क्या था, एम वी माइनस जीरो, कोई डाउट इसमें? तो चेंज इन मोमेंटम एम वी बाई टी, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, यहां तक कोई डाउट? ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप ऐसा लगेगा, ये स्टेप ऐसे लगेगा, गोली हिट करने से पहले मोमेंटम क्या है, एम वी, गोली हिट करने के बाद मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, 2mv। शॉर्टकट फॉर्मूला रजिस्टर चेक कर लो, अगर एक बॉल जाती है दीवार को रीबाउंड करके वापस आती है, mv चेंज इन मोमेंटम 2mv, करवाया था याद, सेम। अब टाइम आ गया अप्लाई करने का, तो अगर बुलेट जाती है mv और बुलेट रीबाउंड होके आती है mv, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं है, कितना है, तो फिर न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 2mv डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर गोली सिर्फ चलती है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो से फाइनल mv हो जाता है, तो न्यूमिनेटर सिर्फ mv रहता है, पर अगर गोली चल के टक्कर खा के वापस आती है और ये सारी फोर्स चेंज इन मोमेंटम से किस पे लगाती है, प्लेट पे लगाती है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या, हाँ जी, तो इसमें क्या करेंगे, फोर्स क्या पुट करें, फोर्स बोलो क्या पुट करें, 12g, क्योंकि कितनी फोर्स लगेगी, जितनी प्लेट का वेट है, क्योंकि रोकना किसे है, प्लेट को, इंपॉर्टेंट है ध्यान आगे, रोकना किसे है, प्लेट को, प्लेट का वेट कितना है, 12g, तो बुलेट भी फोर्स क्या लगाएगी, 12g, इफ 2 × मास ऑफ एक बुलेट, मास ऑफ एक बुलेट कितना है, 10 ग्राम, तो 10/1000, और वेलोसिटी कितनी है, वी निकालनी है, और कितनी बुलेट्स हैं, एन बुलेट्स हैं एक सेकेंड में, अच्छा 100 है, ओके, एन की जगह कितने हैं, 100 बुलेट्स हैं एक सेकेंड में, वी निकालना, 60 आ रहा है, बस आंसर आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है, कब mv, कब 2mv, जब रीबाउंड होके कोई चीज आएगी तो डबल, और वैसी गोली चल गई तो सिंगल mv, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? कोई कहेगा लेकिन गोली तो इसमें भी चल रही है, नीचे गन तो नीचे लेके बैठा हुआ बंदा, तो इसमें mv क्यों, 2mv क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन ये नहीं निकाल रहे कि इस बंदूक पे क्या फोर्स लगी, अगर बंदूक पे फोर्स होती फिर प्लेट से हमें क्या लेना देना, फिर तो सिर्फ mv होता, अगर बंदूक के ऊपर फोर्स होती तो mv होता, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नीचे है ही नहीं, यहां तो क्वेश्चन प्लेट के ऊपर चल रहा है, तो फोर्सेस यहां निकल रही है, नीचे नहीं निकल रही,
जब गोली चली थी तो बंदूक के ऊपर फोर्स तो एम वी बाई टी है, लेकिन प्लेट के ऊपर फोर्स 2 MV/T है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि वो रीबाउंड करके भी वापस आ रही है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? ठीक है यहाँ तक? अगले देखो, अलग अलग कॉन्सेप्ट याद करो। आपने क्या बोला? 2 MV, हाँ 2V हो गया, उसको m से मल्टीप्लाई। 2V = 120, 2 velocity 120 कैसे हो गया? वो वेट है, वो 2V है, वेलोसिटी है, MV करके। अच्छा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक अकेला MV ले रहे हैं, जो केस नंबर 1 मैंने मिटा दिया, वो केस था। वो तो जब बंदूक चलती है उसके ऊपर फोर्स है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम बुलेट का 0 है, फिर फाइनल MV हो गया, तो MV माइनस 0 कर दिया। पर यहाँ पर वो क्वेश्चन इस एंड पर है ही नहीं, क्वेश्चन इस एंड पे है, टक्कर लगी और वापस आई, तो यहाँ पर मोमेंटम 2 MV होता है, ये रीबाउंड होकर वापस आता है। कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो मतलब दोनों केस का कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं और लग रहा है, वो कहीं और लग रहा है। ठीक ठीक है, चलो बुलेट्स हो गई। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर, कितना देखो, मुझे सिर्फ ये बताओ, इस फिगर के अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, XT ग्राफ गिवन है, इंपल्स एट टाइम t = 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, यहां पर इंपल्स की वैल्यू क्या है? तो मास की वैल्यू कितनी है? 0.1 kg। तो इंपल्स बताना है। तो वह इंपल्स निकालने के 2 तरीके हैं। पहला फोर्स इंटू टाइम है ना, दूसरा P2 - P1, चेंज इन मोमेंटम में इंपल्स है। 2 सेकेंड के लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी क्या है? इसकी स्लोप निकाल दो, ये 4 है, ये 2 है, तो 4/2 कितना है? 2 m/s वेलोसिटी है 2 सेकेंड इमीडिएटली पहले, और 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या है? बड़ी लेट बोले यार, XT ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, स्लोप तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी 0। क्या बात है यार, तुम तो मोशन भी भूल गए, तो स्लोप कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी 0। तो फिर इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम है मास कितना? 0.1, और वेलोसिटी कितनी? 2, और फाइनल मोमेंटम क्या है? 0। तो फिर इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम, तो क्या आएगा? 0 - 2 × 0.1, मार्क कर लो, नेगेटिव इंपल्स है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो ये P1 है, ये P2 है, तो P2 - P1 फिर नेगेटिव है, ऐसा कैसे थे? 2 सेकंड के इमीडिएटली इधर और इधर देख रहे हैं ना, इमीडिएटली वेलोसिटी 2 से 0 हुई है, तो 2 से 0 हुई ना वेलोसिटी, तो इंपल्स तो होगा ही होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? आएगा ही नहीं, कौन निकालेगा एक्सलेशन? ठीक, मेथड समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है ये लो, इसका डायग्राम थोड़ी हेल्प करता हूँ। बॉडी जिसका मास 2 kg है, ठीक है 2 kg है, और हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 m/s OE की तरफ, डायग्राम बना लो, एंड इज सब्जेक्टिव टू फोर्स ऑफ 4 N इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OE। तो ये OE के परपेंडिकुलर है, और यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है? कितने न्यूटन है? 4 N है। आपको बताना है 4 सेकंड के बाद बॉडी की पोजीशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। मुझे तो बस ये बता दो यार, वो तो मैं कर दूंगा सॉल्व। इस बॉडी का पाथ क्या होगा, शेप क्या बनेगी जब ये बॉडी मूव करेगी? 4 सेकंड के बाद ये बॉडी यहां पर आ गई, मान लो ये रहा t = 4 सेकंड पे, तो ये कैसे आएगी? स्ट्रेट आएगी या कैसी आएगी? इसकी शेप क्या है, क्या होगा? मतलब कर्व होगी, पैराबोला होगी, सर्कल होगा? नहीं सर्कल तो नहीं होगा, स्ट्रेट हो, अच्छा आर्क होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला होगा। कितने लोग बोलते हैं पैराबोला होगा? ठीक बोलते हैं, कैसे? कि लगा अंदर से फीलिंग आ रही है, कुछ पैराबोलिक ही हो सकती है।
इससे सिंपल बताऊं, अगर तुम इस बोर्ड को निकाल दो पैनल को और उसको ना उल्टा घुमा दो तो तुम्हारा डायग्राम ना ये बनेगा, 3 मीटर पर सेकेंड और फोर्स नीचे की तरफ कितनी है, 4 न्यूटन। तो सोचो, और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, तुमने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 3 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को गिरा और नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अब ये बॉल आगे भी जाएगी और नीचे भी आएगी, तो पाथ फॉलोड इज पैराबोला। हाँ, तो ये पैराबोला तभी तो प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम है, वेलोसिटी तो सीधी है पर फोर्स नीचे है, सीधा भी जाएगा और नीचे भी है, कोई डाउट इसमें? हाँ, ये पैराबोलिक ही है, बस फर्क ही है, हमारा पैराबोला इसमें ऐसा है, ऊपर बनेगा इसमें, क्योंकि फोर्स ऊपर ले जाएगी और वेलोसिटी आगे ले जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ना ना, बंद क्यों करेंगे, बस 4 न्यूटन 4 न्यूटन लगी है फोर्स, क्यों बंद करेंगे? तो फिर स्ट्रेट भी हो सकता है, फिर तो कुछ, फिर क्या होगा, फिर तो ऐसे चल पड़ेगा सीधा, कहीं फोर्स ही नहीं है फिर तो, टेंजेंशियल जाएगा, सॉरी, फिर तो टेंजेंशियल, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है ना इस क्वेश्चन में। तो बॉम्ब को फेंकते थे टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, इनिशियल से फेंकते थे 3, नहीं नहीं ऐसा बताता हूँ, ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल का केस ही तो है। प्रोजेक्टाइल के केस में क्या किया था, प्रोजेक्टाइल के केस में ये किया था कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 है, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी इनिशियल क्या है, 0, वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 है। तो मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एंड एक्स, तो ये एक्स है और ये वाई है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक्स और वाई है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकाल दो, एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, तो वेलोसिटी की वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट, प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है एक्स में, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है, 3, और टाइम क्या है, 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं, 12, और वाई एक्सिस के अंदर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ 0, और एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ 4, फोर्स है और मास 2 है, तो एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वाई एक्सिस में इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, 0 + 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ये तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल है, बस उल्टा प्रोजेक्टाइल है। समझ में आ रहा है यहां तक? एक्स में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एक्स इक्वल टू बीटी से एक्स आ गया, वाई एक्सिस में 0 + 1/2 AT² से वाई आ गया, पर हमने क्या निकालना है, हमने इस क्वेश्चन में तो ये निकालना है, तो फिर क्या आएगा आंसर, √x² + y² मतलब √12² + 16² कितना आंसर आ रहा है, 20। अच्छा चलो, मुझे मैथ्स नहीं आता, इतना आता है कि आंसर 12 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर 16 ना भी होता तो भी 12 तो कम से कम आंसर था ही, 12 से बड़ा होगा, 16 से भी बड़ा होगा, क्योंकि यार अगर 12 ना होता 16 तो कम से कम आता ही, 12 16 से छोटी वैल्यू दिख रही है कोई, हाँ ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 12 और 16 का कॉम्बिनेशन है यार, ऐसे कैसे होगा? फिर पीछे देख लो, 16 का स्क्वायर पीछे क्या आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, अंडर रूट मतलब 10, 10 का आंसर है यार, मुझे पता नहीं तुम कैसे कर रहे हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है एलिमिनेशन से, नहीं तुम अपना ही कर लो, तुम अपना ही पाइथागोरस लगा लो, आंसर निकाल लेना, अपना अपना मर्जी है, मतलब मैंने तो शॉर्टकट मारा, मैंने सॉल्व कहाँ किया, अंदाजे से निकाल दिया इसका आंसर पीस है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, एक और ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर में किया हुआ है, वैसे ट्राई मारो एक बार, F = dP/dt लगेगा, ये हिंट है, F = dP/dt डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी,
को ये याद आ रहा है कि हमने क्वेश्चन सेम वेक्टर में भी किया हुआ है, मेरे अलावा मैंने किया है, डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। देखो वो क्या कह रहा है कि एक ना पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स का मोमेंटम वाई का मोमेंटम पता है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम पता है 2cos t, वाई के लॉन्ग पता है 2sin t, तो पीछे आई और जे लगा दिया, मोमेंटम वेक्टर क्लियर है, मोमेंटम वेक्टर आ गया। फोर्स वेक्टर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, dp/dt, तो डिफ्रेंसिएशन सबको आती है, तो बताओ cos t की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, -sin t और sin t की cos t, ये फैक्टर आ गया, ये p वेक्टर आ गया, तुम्हें इसके बीच में एंगल ढूंढना है। तो अगर ध्यान से देखें डॉट प्रोडक्ट इसको इससे, i को i से, तो क्या आएगा -4cos t sin t, इसको j को j से क्या आएगा 4sin t cos t, डॉट प्रोडक्ट क्या रहे 0, इसका मतलब f वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, 90 डिग्री आंसर है, चेक कर लो। वो मल्टीप्लाई नहीं किया, वो दिख रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, चेक करो, नहीं है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये, तो ऐसा नहीं, अगले आगे क्या करना है, दिख रहा है इन्हें डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। अच्छा नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ, आप मुझसे ये क्वेश्चन कभी पूछना जिंदगी में, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सीधा 90 बोलूँगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जब पी वेक्टर गिवन होता है और उससे जब फोर्स वेक्टर निकलता है और पी वेक्टर साइन कॉस में गिवन होता है फिर पक्का 90 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस माइनस साइन देगा और साइन कॉस ही देगा और डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही 0 आएगा, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। मैं तो आज तक इसका एंगल 90 के अलावा आता दिखा ही नहीं आज तक, तो ठीक है हो गया, प्रैक्टिस से पता लग जाता है।